जहन डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं रतन कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। ठीक है बच्चों, तो आज देखिए हम आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। आप सभी को पता है कि वुमेन्स मिलिट्री पुलिस यानी कि जो जनरल ड्यूटी की होती है जीडी की, उसकी वैकेंसी आ चुकी है, 100 पोस्ट हैं। और आपको काफी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो फिर अभी मैंने बताया तो इससे आपको पता चल गया होगा। आप जरूर नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं हमारे सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के पे भी एक वीडियो पड़ी है जिसमें पूरी डिटेल तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि आपको अगर जीडी की प्रिपरेशन करनी है, वुमेन्स जीडी की या फिर उसी को बोलते हैं मिलिट्री पुलिस, तो अगर इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर होगा सिलेक्शन का, किन किन चीजों की जरूरत होगी, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, मतलब एवरीथिंग एग्जाम से लेकर सिलेक्शन तक, फाइनल आपको जॉब मिलने तक जो जो प्रोसेस है उसका पूरा एक प्रॉपर वीडियो बना के हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको जाके जरूर देखें एक बार। ठीक है, तो बच्चों उसी कड़ी को जारी रखते हुए उसी में हमने आगे एक और वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें मैं रतन कुमार एज अ मैथ्स टीचर मैं आपको आज मैं पूरा सिलेबस डिस्कशन करूंगा कि किस तरीके से आपको वुमेन जीडी के जो पेपर होता है उसमें मैथ का क्या पार्ट आता है, उसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं और उनको करने का क्या तरीका होगा, करने के तरीके को यानी स्ट्रेटजी जो होगी हमारी कि किस तरीके से हम उस मैथ्स में पूरे के पूरे नंबर लेके आ सके, सारे क्वेश्चन कर सके, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बट इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी वुमेन्स जीडी के पेपर में मैथ्स में क्या क्या आने वाला है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सब कुछ बच्चों डिटेल में डिस्कशन होगा, कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा देरी नहीं करेंगे और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बच्चों इस वीडियो में देखिए सबसे पहली बात हमारा टारगेट क्या है, इंडियन आर्मी में जो वुमेन जीडी का यानी कि मिलिट्री पुलिस का जो पेपर होता है उसको क्लियर करना, ये हमारा टारगेट है। हमें इसी टारगेट को लेकर अपने पढ़ाई पे और अपने मंजिल पे फोकस करना है और उसी पे चलना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, मैथमेटिक्स सिलेबस। अब हम आते हैं बच्चों, ये देखिए किसी को अगर पता नहीं हो कि कुछ आइडिया ना हो या नहीं पता हो कि वुमेन जीडी का जो पेपर होता है उसमें बच्चे कैसे दिखते हैं, मतलब जब आप मिलिट्री पुलिस के लिए आप जाते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो आप किस प्रकार से दिखाई दोगे, आपका जो रूप होगा वो कैसा होगा। तो बच्चों देख लीजिए, महिलाएं खड़ी हैं, सशक्त महिलाएं हैं हमारे भारत देश की, इसी महिलाओं की कड़ी में आप भी आते हो, आपको ऐसा बनना है। ये देखिए, ये है हमारे देश की वुमेन जीडी यानी कि वुमेन मिलिट्री पुलिस। ठीक है, तो इसी ऐसा आप दिखोगे, ऐसे आप बनोगे, बहुत ही गर्व फील होगा। जो भी लड़कियां, जो भी बच्चियां ये चाहती हैं, अपना सपना पूरा करना चाहती हैं कि देश की सेवा करें इंडियन डिफेंस में जाके, तो डिफेंस सेक्टर में, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है बच्चों आपके लिए। ठीक है, तो आप लग जाइए अभी प्रिपरेशन पे और आज हम जानते हैं कि जो हमारी प्रिपरेशन होगी उसे किस डायरेक्शन में लेके जाना है विद इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर, अंकगणित के अंदर। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आपका जो वुमेन जीडी का पेपर होगा उस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और उनका वेटेज क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो बच्चों आ जाता है जनरल नॉलेज यानी कि क्या, जीके जनरल नॉलेज। आपको पता है जनरल नॉलेज क्या होती है, जितने भी सामान्य ज्ञान होते हैं हमारे देश से रिलेटेड, हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड या हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, ये सब कुछ सामान्य ज्ञान के अंदर आता है, आप जानते हो इसको बखूबी। तो देखिए ये ऐसे मेरा पार्ट नहीं है, ये आपको कोई और टीचर कराएंगे अगर आप हमारे सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी से जुड़ते हो तो। ठीक है, तो जीके के अगर मैं बता दूं बच्चों तो 15 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, 15 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ जीके से। उसके बाद पार्ट आ जाता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और साइंस के और जो चैप्टर्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया और एक आध जो चैप्टर्स होंगे जो साइंस से रिलेटेड होंगे, तो वो सब चीजें आपकी कवर हो जाती हैं जीएस के अंदर। और इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं बच्चों, 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस इसके आपके होंगे जीएस के अंदर। तो जीके जीएस मिला के आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 15 और 20 35 यानी कि 35 क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है लास्ट में 15 क्वेश्चन का जो हिस्सा होता है, ये होता है आपका क्या, मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स यानी कि गणित। गणित का हिस्सा जो आपका होता है मैथमेटिक्स, वो कितना होता है, 15 क्वेश्चंस का होता है बच्चों, 15 क्वेश्चंस का। ओके, जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं, देख रही हैं, आप देख सकते हो मैथमेटिक्स का 15 क्वेश्चन का पार्ट होता है। अगर मैं इसको टोटल जोड़ूं तो कितना हो गया बच्चों, कितने क्वेश्चन हो गया, अगर मैं इसको टोटल जोड़ूं
तो कितना हो जाएगा 15, 20, 35 और 35 और 15 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं, यानी 50 क्वेश्चंस का पेपर होता है और इसी 50 क्वेश्चन के पेपर में 2 नंबर मिलते हैं आपको हर एक नंबर के, हर एक क्वेश्चन के अगर आप सही करते हो तो। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आधे नंबर कटेंगे। आधे नंबर मतलब 2 का आधा नहीं, हाफ नंबर, 0.5 नंबर माइनस होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की तो बच्चों आपको आदत डाल लेनी चाहिए। लगभग हर एग्जाम में आप देखो तो 10 में से 8 एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती होती है। तो ये मान के ही चला करो कि मैं जो भी पेपर देने वाली हूँ अपने लाइफ में उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी, ऐसा सोच के चला करो, ठीक है। ना हो जाए तो वो और अच्छा है, सोने पे सुहागा, लेकिन हो जाता है तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा बच्चों कि एग्जाम का क्या रूप होता है, किस तरीके से कौन से पेपर आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं अपने पार्ट की तरफ, जो कि मेरा पार्ट क्या है बच्चों, मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का मैं करूंगा पूरा सिलेबस डिस्कशन। तो चलिए, मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो हिस्सा आता है बच्चों वो आता है अर्थमेटिक का। सबसे पहला जो हिस्सा आता है वो किसका आता है, अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक को हिंदी में बोलते हैं बच्चों अंकगणित। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, अगर कोई हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है जो चाहती है कि मतलब कि मुझे हिंदी में भी सब कुछ पता चले, तो हम सब कुछ हिंदी में लेके आए हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। तो अर्थमेटिक यानी अंकगणित में लेके में हम चलते हैं अंदर की, कि उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या आता है, नंबर्स। सबसे पहले नंबर्स। अब नंबर्स से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी ना वो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। जैसे अगर टाइप ऑफ नंबर पूछे कि संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, तो संख्याओं के प्रकार जो भी होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन की, जैसे किसी कोई दो संख्याओं का वर्गों का योग इतना है तो बताइए उनका उनका उल्टा यानी कि उनका व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा, या हो सकता है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग प्रथम दस प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, प्रथम दस प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब कि जितने नंबर से यानी कि संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना बच्चों, जितनी की केवल केवल उसमें संख्याएं ही हो और कुछ और ज्यादा कुछ इसमें तिकड़मबाजी ना की गई हो, तो ये सारे क्वेश्चन पार्ट किसमें आ जाते हैं, नंबर्स में। और नंबर से रिलेटेड और हम जितनी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन में आप देख लो, और भी होते हैं, जैसे कि हमें निकालना होता है कहीं कहीं की गुणा करना होता है, जोड़ घटाना करना होता है, बोर्ड मास होता है, सिंप्लीफिकेशन, ये सब नंबर के ही पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमें संख्याओं का इस्तेमाल करना है। तो ये आ जाता है आपका नंबर्स। इसी नंबर्स को नंबर सिस्टम के भी नाम से जानते हैं, संख्या पद्धति। आप जानते होंगे नंबर सिस्टम तो आपने सुना ही होगा, संख्या पद्धति तो आपको इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एचसीएफ एंड एलसीएम, जो कि आप बचपन से करते आए हो, क्या मसा और लसा बचपन से करते आए हो, जितने भी भिन्न वाले जोड़ घटाना किए होंगे तो उसमें नीचे है हरों का क्या करते होगे, एलसीएम करते होगे। अगर वो नहीं करते होगे तो एचसीएफ एलसीएम निकाले भी होंगे, कई तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एचसीएफ एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ती है, क्या मसा और लसा। तो मसा और लसा में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है, मसा आपको भी पता है महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स में से भी कॉमन निकालना, कॉमन में से भी हाईएस्ट निकालना, तो दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके तरीके होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, जो कि मैं आपको पेपर में बताऊंगा, पेपर में नहीं मतलब आपके एग्जाम के पेपर में नहीं, जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे क्या, एलसीएम। उसी में तो एलसीएम में क्या, लघुत्तम समापवर्तक समापवर्ती बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें देखो, इसके भी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब संख्याओं के पहले मल्टीपल निकालना, अपवर्त निकालना, गुणज निकालना, फिर उनके कॉमन गुणज निकालना मतलब जो उसमें उभयनिष्ठ हो, और साथ में उसमें से फिर सबसे छोटा वाला निकालना, तो दैट विल बी कॉल्ड क्या, एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारा क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन हिंदी में बोले तो दशमलव भिन्न। भिन्न आपने कई तरीके के देखे होंगे, इसी के अंदर आपको मैं भिन्नों के प्रकार बताऊंगा कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव भिन्न किस कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते हैं, इन दशमलव भिन्न के क्या प्रकार होते हैं। दशमलव भिन्न बार वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं बच्चों, और जैसे कि परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में जो बदलना होता है दशमलव भिन्न वाले, तो ये सारा पार्ट इसके अंदर आ जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है,
ठीक है, जो भी एयरफोर्स के बच्चे पढ़ते होंगे या सीडीएस के, आप मतलब जो भी डिफेंस सेक्टर में होंगे उन बच्चों से पूछना, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें काफी कुछ पढ़ाने को भी होता है। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन मतलब भिन्नों से रिलेटेड सारे काम, चाहे उनके जोड़ घटाना गुणा भाग हो, चाहे उनको कंपेयर करना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हम कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट्स वर्गमूल निकालना। वर्गमूल तो आप अच्छे से जानते हो, वर्गमूल में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 16 का वर्गमूल 6 होता है, और भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे हम निकाल सकते हैं इसको मैं आपको पूरा शॉर्टकट बताऊंगा। 6-6 से 8-8 अंकों तक की संख्याएं हो तो उसका कैसे निकाल सकते हैं, उतना बड़ा आपके में आएगा नहीं, बट उससे छोटे छोटे जितनी है तो उसमें छोटी संख्या जो भी है 4 अंकों की 5 अंकों की, तो किस तरीके से आप बहुत आसानी से चुटकियों बजा के निकाल सकते हो आंसर, वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल निकालने के। ठीक है, अब आते हैं बच्चों अंकगणित के अंदर ही अगले टॉपिक पे, क्या है हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। प्रतिशतता में देखिए बच्चों कई टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप अगर मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में आपको मिले 270 नंबर और पूरे पेपर जो है वो है 300 नंबर का, तो 370 बताइए कि आपने कितने प्रतिशत मार्क लेके आए, कितने परसेंट आपने स्कोर किया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर आ जाते हैं। कभी कभी कंपैरिजन हो जाता है कि मैं हूं और मेरे बगल में कोई लड़का है, मान लीजिए उसका नाम है कि रमेश नाम है, ठीक है, तो रतन है, रतन का जो रतन की जो इनकम है वो रमेश से 50% ज्यादा है, तो बताइए रमेश की रतन से 50% कितनी कम होगी, सॉरी 50% नहीं कितने परसेंट कम होगी, तो इस तरीके के क्वेश्चंस। और भी प्राइस एंड कंजम्पशन से भी आ जाते हैं कि दाम बढ़ना और घटना और जो अपनी खपत होती है उससे बढ़ना घटना, इस तरीके के सवाल इसके अंदर कवर हो जाते हैं किसमें, परसेंटेज में। ठीक है बच्चों, तो परसेंटेज भी काफी अच्छा चैप्टर है और ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसका योगदान कई अदर चैप्टर्स में भी होता है, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर भी इसका इस्तेमाल हो जाता है, लाभ और हानि आप देखोगे तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, डिस्काउंट यानी छूट जो होता है बट्टा बोलते हैं उसमें भी बच्चों इसका इस्तेमाल होता है परसेंटेज का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा क्या, एवरेज। एवरेज यानी कि औसत। औसत तो बहुत ही कॉमन सा टर्म है, आप अब जितनी आप लड़कियां हो, कोई लगभग सभी लड़कियां या फिर मैक्सिमम लड़कियां स्कूटी चलाती होंगी, तो स्कूटी चलाती होंगी तो आपको ही पता है 1 लीटर तेल डलवाते हो तो आपकी गाड़ी कितनी चलती है, तो कहते हो ना कि मेरी गाड़ी इतना एवरेज दे रही है, मेरी जो स्कूटी है वो 40 का एवरेज दे रही है, 35 का दे रही है, 45 का दे रही है, जितना दे रही है दे रही है, तो उससे आप एवरेज निकालते हो कि ये पर लीटर इतना किलोमीटर चल रही है। अब वो एवरेज जो हुआ है, हो सकता है कि आपने उसमें से कुछ टाइम आपने बस ऐसे ही एक्सीलेटर लिया, कहीं चला नहीं, कुछ दूरी नहीं तय की, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने एक्सीलेटर कम रखा लेकिन दूरी थोड़ी ज्यादा भी तय करी, मतलब वैसे आप कॉन्सेप्ट समझो कि एवरेज इसी प्रकार से होता है कि बहुत सारी कुछ कम वैल्यूज कुछ ज्यादा वैल्यूज को मिला के एक ऐसी कॉमन वैल्यूज बनाते हैं जो सब पे अप्लाई हो जाती है। ठीक है, क्रिकेट भी आप देखते हो बहुत सी लड़कियां विराट कोहली की फैन होंगी, मैं जानता हूं, तो उसमें भी तो विराट कोहली के अगर फैन हो तो आपको पता हो, क्रिकेट देखते होगे तो किसी बैट्समैन ने इतना स्कोर किया, मान लीजिए 5 ओवर में उसने 50 रन स्कोर किया, तो उसका एवरेज कितना हो गया, मैम एवरेज तुरंत बताते हैं कि 5 ओवर में 50 रन है तो 10 रन पर ओवर बनाया होगा, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि 10 रन ही पर ओवर बनाया होगा, कभी हो सकता है कि वो 15 रन किसी ओवर में बनाया हो लेकिन किसी ओवर में सिर्फ 5 ही रन बनाया हो, ऐसे भी तो हो सकता है ना, तो इस प्रकार से एवरेज का कैलकुलेशंस होता है। ठीक है, इसके जितने टाइप होते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा अपने क्लासरूम के अंदर, और साथ ही साथ इसके टाइप के साथ जो इसके शॉर्टकट होते हैं कि किस तरीके से आप तुरंत देख के सवालों को कर लो या फिर 1 से 2 लाइन में सवालों कर लो, सारे तरीके आपको बताऊंगा, इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। अगला आ जाता है बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात बहुत ही कॉमन सी चीज है, लाइक कि अब दूध और दूध सबके घर में आता होगा आप में, ठीक है, दूध सबके घर में आता हूँ मैं, देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ बच्चों, देखो मेरी ये खासियत है मैं क्लास में भी जब पढ़ाता हूँ तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओ, कोरिलेट कर पाओ, इसीलिए बच्चे काफी खुश रहते हैं मेरे से क्योंकि उनको सभी चीजें विजुअलाइज होती है। मैं मैथ्स यानी कि अंक गणित मैथमेटिक्स जो कि बच्चे पेपर पे करते हैं मैं उसको भी विजुअलाइज करा देता हूँ आपकी आंखों के सामने। ठीक है, तो ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब दूध और पानी है तो भाई होता है एक कप है, चलो एक बॉटल ही 1 लीटर का, 1 लीटर का बॉटल है, अब उसमें आपने डाला 750 ml दूध
और 250 ml पानी। अब बताओ अनुपात क्या है दूध और पानी का। तो ये सब चीज ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर मान लो उसमें से हमने आधा लीटर निकाल लिया और फिर से आधा लीटर दूध डाल दिया, तो बताओ अब अनुपात क्या हो जाएगा दूध और पानी का। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, केवल ऐसे ही नहीं और भी तरह तरह के मिक्सचर बनाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ए और बी का अनुपात दिया हो, बी और सी का अनुपात दिया हो, तो बताओ सी और ए का अनुपात क्या होगा या ए और सी का अनुपात क्या होगा। तो ये जितने टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना अनुपात और समानुपात में, सब आपको बताऊंगा शॉर्टकट तरीके से, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। रेशियो निकालना होता है, कभी कभी बीजगणितीय पदों का भी रेशियो निकालना होता है। अनुपात मतलब सीधी बात की समथिंग अपॉन समथिंग, किसी चीज को हमने भाग दिया किसी और से, किसी दूसरी चीज से, मतलब अंश बटे हर। तो ये हो जाता है अंश रेशियो हर, यानी अंश इज टू हर, ऐसे आप कह सकते हो, ये हो जाता है अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट हम बच्चों आते हैं पार्टनरशिप साझेदारी। आपको भी पता है, आप जितनी लड़कियां हो सबके घर में तो नहीं, लेकिन काफी लड़कियों के घर में बिजनेस होता होगा। आपके पापा करते होंगे, भाई करते होंगे, कोई ना कोई करता होगा, तो बिजनेस होता है। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि बिजनेस अकेले ही किया गया हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पैसे मिलाए करते, दो तीन लोग पैसे मिला के कलेक्ट करके तब करते हैं, उसमें से अपना शेयर बांटते हैं प्रॉफिट का। तो ये आ जाता है पार्टनरशिप के अंदर, कि पार्टनरशिप करते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो प्रॉफिट होगा उसको किस बांटा जाएगा। तो उसके सवालों को कैसे हम करेंगे, किस तरीके से देखेंगे, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्या उसका आइडिया होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, सब हम जानेंगे पार्टनरशिप के सवालों के अंदर। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, लाभ और हानि, ये इससे कौन नहीं जानता इस बात को, प्रॉफिट एंड लॉस। जहां भी जाते हो आप, हर कोई इंसान चाहता है दुनिया में कि उसका कोई नुकसान ना हो, हमेशा क्या हो, प्रॉफिट हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नुकसान झेलना ही पड़ता है। अब जैसे मान लो कि अगर आप एक मोबाइल फोन लेके अगर आ गए, एक मोबाइल फोन लेके आए और 10,000 का मान लीजिए आपने फोन खरीदा, तो सीधी सी बात है अगर उसको 6 महीने चला के बेचोगे तो वो 10,000 में तो नहीं बिकेगा, ना ही 12,000 में बिकेगा, बिकेगा तो कम में ही बिकेगा, 5,000, 7,000, 6,000, 4,000 इतने में ही बिकेगा। तो आपका कहीं ना कहीं तो लॉस हुआ ना। अब आप कहोगे कि सर हमने 6 महीने यूज किया, 7 महीने यूज किया, तो बेटा उसको तो हम इसमें नहीं देख सकते ना कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस। आपको तो सीधा सीधा बस यही देखोगे ना कि हाँ मैंने 10,000 का खरीदा था और मैंने अपने दोस्त को, अपनी सहेली को मैंने बेचा 6,000 में, ठीक है, तो मुझे 4,000 का नुकसान हुआ। तो दैट इज कॉल्ड हानि, यानी कि लॉस। और प्रॉफिट आप सभी जानते हो, हर किसी घर में जब दुकानदारी होती है, बिजनेस होता है, तो सीधी सी बात है, हम माल लेके आते हैं 10 रुपए का, उसको 12 रुपए में बेचते हैं, तभी तो प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट जब तक होगा नहीं तब तक खाओगे क्या, जियोगे कैसे। तो ये लाभ और हानि हमारे रियल लाइफ में चलता रहता है, ये हमारा पार्ट है। तो इसी के क्वेश्चन भी होते हैं, 10 रुपए का अगर आपने कलम खरीदा, 15 रुपए में किसी को बेच दिया, लाभ कितना हुआ, 5 रुपए का लाभ हुआ। हानि वाला भी मैंने एग्जाम्पल दिया मोबाइल का आपका, इसी में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर आपने यही जो कलम का मैंने बताया कि 10 रुपए में खरीदा, 15 रुपए में बेचा, तो इसमें आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, फिर आपको उसमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, तो ये सब निकालना हो गया। कभी कभी परसेंटेज मतलब एक के हाथ सामान दूसरे के पास गया, दूसरे से फिर बढ़ के तीसरे के पास गया, तो बताओ पहले से तीसरे के दौरान कितने लाभ कितना हानि हुआ। ऐसे क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व करते हैं प्रतिशत के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया हमारा, लाभ और हानि। अब हमारा आता है यूनिटरी मेथड, एकिक नियम। एकिक नियम बोलते हैं इसको हिंदी में, बहुत ही अच्छा नियम है ये। एकिक नियम, एकिक विधि जो है, ये ऐसा टॉपिक है ना बच्चों, गर्ल्स, ये ऐसा टॉपिक है एकिक विधि, यूनिटरी मेथड। देखो इसका इस्तेमाल आप चाहोगे ना तो हर चैप्टर में कर सकते हो, जितने अंक गणित के चैप्टर हैं, इवन अंक गणित के जितने सवाल हैं ना, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सब में मैं इसका इस्तेमाल करके सवालों को जल्दी से जल्दी करने का तरीका बताता हूं। ऐसी ऐसी टेक्निक्स है कि यूनिटरी मेथड से आप, यूनिटरी मेथड के बाद से आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, यूनिटरी मेथड के बाद आप चाहो तो, जैसे क्या होता है मैथमेटिक्स में मैक्सिमम लोग फॉर्मूले याद करते हैं, हर चैप्टर का अलग अलग फॉर्मूले याद करते हैं। मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताता हूं कि यूनिटरी मेथड के दम पे आप कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे अकेला एक ये मेथड में। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यूनिटरी मेथड होता क्या है, एकिक विधि, आपको पता है एक की वैल्यू, हमेशा जब भी किसी एक की वैल्यू निकालनी हो ना, वो समझ लो यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट वहां पे लग रहा है। जैसे कि मैं बोलूं कि आप गए किसी दुकान से 5 समोसे लेके आ गए, 5 समोसे के लिए आपने दिए 30 रुपए, तो बताओ एक समोसे की कीमत क्या। ठीक है, एक समोसे की कीमत क्या, तो 6 रुपए तुरंत बताओगे। तो वैल्यू हमने किसकी निकाली, एक की निकाली ना। मान लो कि आप मैं कहता हूं कि आप 4 रसगुल्ले खाते हो 10 मिनट में,
मैंने ऐसा बोला कि चार रसगुल्ले खाते हो 10 मिनट में, सबके मुंह में पानी आ गया होगा। तो बताओ एक रसगुल्ला आप कितने समय में खाओगे? तो ये क्या होगा, यूनिटरी मेथड, इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो केवल ये रसगुल्ले और ये समोसे पे ही नहीं लगता है, दुनिया की हर चीज पे लगता है। हम सब वो डिस्कस करेंगे अपने पढ़ाई के अंदर। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड का सवाल होता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट आता है क्या, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस। आपको सुनने की आदत होगी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि क्या समय, यहाँ पे क्या समय, कार्य और दूरी। तो देखो समय और दूरी का जो एक साथ कॉम्बिनेशन बनता है उसके सवालों को करना है, और समय और कार्य का अलग जो टॉपिक बनता है उसके सवालों को करना है। समय और दूरी का मतलब क्या कि अगर मैं 100 किलोमीटर जाता हूँ, 100 किलोमीटर जाता हूँ, अगर 5 घंटे में मैं 100 किलोमीटर जाता हूँ, तो बताओ 3 घंटे में कितने किलोमीटर जाऊंगा। तो ये सब सवाल किस में होंगे, समय और दूरी के अंदर आ जाते हैं। चार भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है जब हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं। तो फिर आता है क्या, टाइम एंड वर्क। देखो बच्चों टाइम एंड वर्क का आपको भी एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पता है, किसी काम को हम कर रहे हैं तो अगर मुझे अकेले करना है तो मैं समय कम दूंगी, मैं दूंगा आप दूंगी समय। अगर मैं किसी काम को कम दूंगा तो क्या होगा, काम कम होगा, और अगर समय किसी काम को ज्यादा दूंगा तो फिर जो कार्य है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। या फिर ऐसा भी हो जाएगा कि मैं एक कार्य को काम को करना चाह रहा हूं और मुझे पता है कि वो काम 10 दिन में मैं अकेला खत्म कर लूंगा, लेकिन मैंने एक अपने दोस्त को बुला लिया साथ में कि आ जा बेटा तू भी साथ में काम कर, तो दोनों लोग साथ में काम करेंगे तो सीधी सी बात है अब 10 दिन की बजाय कम हो जाएगा। भले वो धीरे धीरे ही करे लेकिन 10 दिन तो नहीं लगेगा ना, कम ही लगेगा जब दोनों लोग साथ में करेंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं किसमें, टाइम एंड वर्क के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाता है समय, कार्य और दूरी। नेक्स्ट आता है साधारण ब्याज। अब देखो साधारण ब्याज आपको तो बहुत ही कम फेस करने को मिला होगा क्योंकि अभी आप अपनी पढ़ाई वाली स्टेज में हो, आपके पापा बहुत अच्छे से जानते होंगे साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट को। लाइक क्यों, क्योंकि हो सकता है आपके घर में बहुत सारे लोगों की ईएमआई चलती होंगी, जो बैंक से पैसे लेते हो तो उसमें कितना ब्याज व्याज, ये सब चीजें आपको बहुत पता होगी क्योंकि आपकी एज में यही होता है कि आप जब किसी अपने फ्रेंड को पैसे देते हो तो उससे कोई ब्याज नहीं लेते कि भाई हम तेरे कि देख मैं तेरे को आज 1000 रुपए दे रही हूं तो मैं तेरे को एक महीने बाद मुझे 1200 रुपए चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसे करोगे तो वो उल्टा थप्पड़ मार के 1000 रुपए ही देगी फिर वापस, ठीक है, तो होगा कुछ नहीं। तो आपको तो सिंपल इंटरेस्ट का बस कॉन्सेप्ट ये जानो कि इसमें क्या होता है कि मान लो कि हमने किसी को 1000 रुपए दिया तो कल अगर एक महीने बाद एक साल बाद मुझे वो 1100 रुपए लौटा रही है तो फिर होगा क्या, 100 रुपए जो आता है ना वो ब्याज होता है, मतलब आपका पैसा एक साल के लिए किसी और के पास रहा। अगर वही पैसा आपके पास होता तो उसको उस पैसे से आप कुछ और भी पैसा बनाते, उससे कुछ और इनकम करते, तो वो इनकम किसी और ने किया ना तो उसका कुछ हिस्सा आप लेते हो, दैट इज कॉल्ड साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे सवाल आते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, इजी सवाल होते हैं, कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है क्या आ जाता है, अलजेब्रा यानी कि क्या, बीजगणित। अंकगणित खत्म होता है बच्चों, अंकगणित का जो टॉपिक था वो कवर हो गया, अंकगणित में इतना ही था। जो नंबर ऑफ चैप्टर्स आपने देखे शायद 12 या 13 कितने थे मैं गिना नहीं, 12 या 13 चैप्टर्स थे। तो उसके मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि कैसे सवाल उसमें आते हैं और क्या आपको उसके अंदर पढ़ना है। अगला आता है बीजगणित। अब देखो जब मैथमेटिक्स के अंदर ABCD XYZ अगर घुस जाए ना, जिस दिन से मैथमेटिक्स के अंदर गणित के अंदर, तो समझ लो वहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, बीजगणित स्टार्ट हो जाता है यानी कि अलजेब्रा स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर हमें पढ़ना है बेसिक ऑपरेशंस एंड फैक्टराइजेशन सबसे पहले, ठीक है। बीजगणित के अंदर हमें क्या पढ़ना है, बेसिक ऑपरेशंस एंड फैक्टराइजेशन, सॉरी बेसिक ऑपरेशंस एंड फैक्टराइजेशन, साधारण क्रियाएं और गुणनखंड। हिंदी में बोलते हैं अगर बेसिक ऑपरेशंस को तो क्या होता है, साधारण क्रिया है, और फैक्टराइजेशन को अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, गुणनखंड। गुणनखंड क्या कि कोई नंबर है उसको जितने छोटे छोटे पार्ट में आप तोड़ो, छोटे छोटे संख्याओं के गुणनफल के रूप में ब्रेक करो, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, उसके गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है। तो वो होता है कॉन्सेप्ट गुणनखंड का। और बेसिक ऑपरेशन जैसे कि बीजगणितीय पद जो होते हैं, लाइक जो एलजेब्रिक टर्म्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो उनको कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं, कैसे उनका गुणा करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो इससे छोटे छोटे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं, और जैसे x प्लस वाई बराबर कुछ दिया है, x माइनस वाई बराबर कुछ दिया है, तो x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ। तो ये जब छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना बीजगणित के अंदर ABCD और XYZ के पे, तो वो सभी किसके अंदर आ जाते हैं, साधारण क्रियाएं में। और गुणनखंड भी हम करते हैं बच्चों, गुणनखंड भी हम करते हैं कि
अगर बड़े से बड़ा टर्म दिया जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया तो बताइए इसके क्या गुणनखंड हो सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर छोड़िए या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं बोलूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बताओ इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं तोड़ के लिख सकती हूँ, मैं लिख सकता हूँ, आप लिख सकते हो क्या होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी ये क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे, क्योंकि इससे भी आप इसमें भाग दोगे तो भाग चला जाएगा और इससे भी आप इसमें भाग दोगे तो भाग चला जाएगा। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी इज व्हाट, फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आ जाता है एचसीएफ एंड एलसीएम। थोड़ी देर पहले हमने जाना एचसीएफ एंड एलसीएम किस में, अर्थमेटिक में। तो अर्थमेटिक में क्या होता है, साफ साफ संख्याएं दी होती है कि 30, 45, 50 इसका बताओ एलसीएम क्या होगा, या 30 या फिर 15, 20, 25 इसका बताओ एचसीएफ क्या होगा, यानी कि मौसा क्या होगा, लसा क्या होगा, इस ऐसे सवाल। तो वहां संख्याएं दी होती थी ना, यहाँ पे क्या होगा बीजगणितीय पद दिए होंगे कि बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसका मौसा क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लॉसा बताओ क्या होगा। तो ये बीजगणितीय पदों में जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने लगते हैं तो वो चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, बीजगणितीय पदों में मौसा और लॉसा निकालने का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग। अब आ जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से देखो आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो। द्विघात समीकरण जब एल्जेब्रिक टर्म्स में यानी वेरिएबल्स की पावर 2 हो जाती है, जहां भी कोई भी समीकरण हो जहां जो डिग्री है घात है पदों का जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 हो जाए तो वो क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल भी दे देता हूं। अगर मान लीजिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 मैंने लिखा, तो अब देखो ये आराम से पता है कि ये एक समीकरण है और ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे घात मैक्सिमम क्या है, 2 घात है वेरिएबल का। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस करना, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना, इसके रूट्स जो मूल होते हैं हल होते हैं उनके बीच में क्या रिश्ता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इसके अंदर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बहुत आसान होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होती। ठीक है बच्चों, और कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, जब मैं हूं साथ में तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। एलजेब्रा का पार्ट इतना ही होता है बच्चों, बहुत ज्यादा डीप नहीं आता एलजेब्रा, हल्का ही आता है। अब आ जाता है क्या, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। अब देखो ज्यामिति, ज्योमेट्री, लाइंस आप जानते हो, एंगल्स जानते हो। सबसे पहला तो लाइंस और एंगल्स होता है। कोण, विभिन्न प्रकार के कोण होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, सब आप पढ़े होंगे अपनी लाइफ में। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसी में बना देगा कि जैसे दो एंगल्स का सम है 90 डिग्री, उसमें से एक एंगल है 30 डिग्री, बताओ दूसरा एंगल क्या होगा, तो 60 डिग्री अपने आप हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन जो होते हैं जो सिर्फ एंगल्स के पे बनाए जा सकते हैं, और जरूरी नहीं कि डायरेक्टली इसी तरीके से पूछे, हो सकता है फिगर बना के भी पूछे कि अगर ये वाला कोण इतना है तो बताओ दूसरा वाला कोण कितना होगा, तीसरा वाला कोण कितना होगा, त्रिभुज के अंदर पूछ दे। तो इस तरीके के हम जो सवालों को करते हैं किसमें करते हैं, एंगल्स में। और भी डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं, जैसे सिरसाभिमुख कोण होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, संगत कोण होते हैं, करस्पॉन्डेंस एंगल, तो बहुत टाइप के एंगल्स होते हैं। तो ये सभी चीजों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। समांतर रेखाओं को जब काट दिए तिरेक रेखा, तो उसमें कौन कौन से एंगल्स बन जाते हैं, उस पे क्वेश्चंस किस प्रकार से होता है, तो ये सब हमारे कोण के अंदर होते हैं। और लाइंस आपको भी पता है, लाइंस भी कई कितने टाइप, लाइंस तो नहीं हम कह सकते कितने टाइप की होती हैं, लेकिन एक लाइन किस किस तरीके की हो सकती है दिखने वाली, तो एक लाइन सेगमेंट होता है, रेखाखंड बोलते हैं, रे होती है, किरण बोलते हैं, लाइन होता है, रेखा बोलते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, उनकी लाइंस की भी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कब संरेख होंगे, कब संगामी होंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसके अंदर बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स के अंदर, और इससे रिलेटेड सवालों को करना होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज आ जाता है ट्रायंगल्स। तो अब सीधी सी बात है, ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होंगी, लाइन की दो, अगर दो कोण दे दिए ट्रायंगल्स के, अब तीसरा कोण पूछ दे कि बताओ कितना होगा, हो सकता है कि त्रिभुज का अगर दो भुजाएं दे दी, एक भुजा पूछ दे, उसका क्षेत्रफल पूछ दे, परिमाप भी पूछ सकता है। तो ये सभी चीजें क्या आ जाती है ट्रायंगल्स के अंदर। वैसे क्षेत्रफल परिमाप जो होता है वो मेंसुरेशन का हिस्सा हो जाता है, मतलब कि क्षेत्रमिति में आ जाता है, यह भी ज्योमेट्री है। इसमें सिर्फ
नाप वाप के जो बनाना होता है तो आपको स्केल से नापना नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है कि त्रिभुज की क्या क्या गुण होते हैं। अब जैसे समकोण में आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का एक गुण होता है कि जो उसका कर्ण है यानी हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब के स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको पता है, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हुई ना, किस ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की यानी समकोण त्रिभुज की, तो इसकी प्रॉपर्टी उसका गुणधर्म हुआ। तो ऐसी चीजों को हमें पढ़ना है त्रिभुज के अंदर। अब वो त्रिभुज कैसा होगा, डिफरेंट टाइप के त्रिभुज होते हैं आपको पता है, समद्विबाहु, समबाहु, इक्विलैटरल, आइसोसेलस, स्कैलीन, तो बहुत से जो ट्रायंगल्स होते हैं उससे रिलेटेड चीजों को हमें पढ़ना है। और इसमें डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, चाहे वो एंगल पूछे, चाहे वो साइड पूछे, चाहे वो माध्यिका पूछ ले, तो ये सब चीजों को हमें इसके अंदर पढ़ना है। बहुत ही बेसिक आसान क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, जिस प्रकार से त्रिभुज में मैंने बताया बच्चों, उसी प्रकार से सब कुछ चतुर्भुज में पढ़ना है। चतुर्भुज के प्रकार पढ़ लोगे, अब चतुर्भुज जिसके चार कोने हो जाए, चार भुजाएं हो जाए, बंद आकृति हो, क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में आपको पता है बहुत टाइप के चतुर्भुज होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, वर्ग हो सकता है, स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम हो सकता है, समांतर चतुर्भुज, रोम्बस हो सकता है, सम चतुर्भुज, तो बहुत सारे चतुर्भुज हैं। और उनकी क्या गुण है, जैसे त्रिभुज के गुणों का इस्तेमाल करके आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वैसे चतुर्भुज के गुणों का इस्तेमाल करके आप चतुर्भुज के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। उसमें भी एंगल्स निकालना पड़ सकता है, भुजा निकालना पड़ सकता है, एक और उसमें टर्म आ जाता है विकर्ण यानी डायगोनल, तो वो निकालना पड़ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इसके अंदर करते हैं, ठीक है, चतुर्भुज के अंदर। अगला आ जाता है क्या हमारा, सर्कल्स यानी कि वृत्त, ठीक है, वृत्त। अब गोला चूड़ियां लगभग सभी लड़कियों ने आपने पहनी होगी, जितने कभी शादी वादी में गए होंगे तैयार हुए होंगे, नहीं तो अगर पहनने का शौक होगा तो चूड़ियां या बैंगल्स जो कंगन होते हैं पहने होंगे। किस शेप में होता है सर्कल, कोई अब तो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के आने लगे हैं, ठीक है, लेकिन सर्कल ही मेनली आप पहनते हो ना ज्यादातर, तो सर्कल उसकी क्या खूबी होती है, किस तरीके से सर्कल में क्या क्या टर्म्स होते हैं, जैसे त्रिज्या होता है, व्यास होता है, आपका त्रिज्यखंड होता है, तो ये बहुत अलग अलग टाइप की चीजें होती है, जीवा होता है, कॉर्ड बोलता है, तो इससे रिलेटेड हमें सवालों को करना है किसमें, वृत्त के अंदर, कि हो सकता है पूछ दे कि बताइए इस त्रिभुज की एक त्रिज्या इतनी है तो ये वाले जो कॉर्ड है, जीवा है, इसकी लंबाई बताइए, या हो सकता है उसी के अंदर कुछ अंदर आकृति बना दे और बता दे ये वाला कोण बताइए क्या होगा, तो ये ज्योमेट्री के अंदर होता है। जब हम कुछ ना कुछ नया नया निर्माण अंदर करते रहते हैं ना, तो उसी में ही हमें किसी न किसी चीज की मेजरमेंट बतानी होती है, चाहे वो कोई भी सेगमेंट आप ले लो, ठीक है, सबके अंदर। तो ये होता है बच्चों ज्योमेट्री का पार्ट। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा, आ जाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी कि क्या, क्षेत्रमिति। अब मेंसुरेशन के अंदर आपको ये सब नहीं नापना है कि ये भुजा कितनी होगी, ये कोण कितना होगा, हाँ ये है कि आपको जरूरत पड़ेगी ज्योमेट्री की, बिना ज्योमेट्री के मेंसुरेशन करना बहुत मतलब पॉसिबल ऐसा नहीं कह सकते, इम्पॉसिबल है लेकिन मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि जब ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज आपको नहीं याद होंगी तो फिर मेंसुरेशन में लगाओगे कैसे। तो मेंसुरेशन में देखिए आपको करना क्या है, जो जो चीजें आपने ज्योमेट्री में पढ़ी, क्या क्या आपने पढ़ा था, स्क्वायर, एक जो चतुर्भुज पढ़ा था चतुर्भुज के अंदर आपको आया था स्क्वायर, आयत जो रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर यानी कि वर्ग होता है, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ पहले से ही आप में शेप का नाम दे दिया है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में सब कुछ का नहीं पढ़ना है, कुछ चीजों का पढ़ना है, जैसे वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप, इससे रिलेटेड सवालों को करना है। हो सकता है एक भुजा गायब कर दे, दूसरी भुजा दे दे, क्षेत्रफल दे दे, अब बताओ तीसरी भुजा ही बताना हो, दूसरी वाली भुजा ही बताना हो, तो ऐसे ऐसे सवालों को, यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप, सिर्फ ये दो टर्मिनोलॉजीज को कवर करना है वर्गों के अंदर। और केवल वर्गों के अंदर ही नहीं, अगर आप रेक्टेंगल के अंदर आ जाओगे यानी आयत के अंदर, तो भी हमें वही चीज करनी है, एरिया और पेरीमीटर, ठीक है। तो अब मेंसुरेशन का पार्ट जो है बहुत ही हल्का आसान है। अब सभी लोग, मुझे लगता है कि लगभग आप लोग ऐसे 90% बच्चे इसका फॉर्मूला भी जानते होंगे कि स्क्वायर का यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, परिमाप क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आ जाता है आयत और वर्ग का। फिर आ जाओ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ क्या, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज आपको भी पता है कि वर्ग और आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, वर्ग एक आयत है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है, तो वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। स्पेशल केसेस होते हैं, मैं क्लासरूम में आपको बताऊंगा, आपको मैं एक ऐसा ट्रिक दूंगा, ऐसा फॉर्मूला दूंगा कि आप कभी भी ऐसे सवालों को गलत नहीं कर पाओगे, कि कौन सी आकृति किसके अंदर आ सकती है, कौन सी आकृति किसके अंदर आ सकती है, क्या एक समांतर चतुर्भुज वर्ग कहला सकता है, क्या सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, नहीं, लेकिन सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये सबका एक ट्रिक ऐसा बना दूंगा कि आपको बस उसको याद रख लेना है, उसके बाद से इसमें से कितने भी क्वेश्चन वो बना लेना, 10 टाइप के भी, उन 10 सवालों को सही कर लोगे, ठीक है।
तो ये आ जाता है हमारा एरिया एंड पेरीमीटर्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप। और नेक्स्ट अगला क्या है, सर्कल्स। यही हमने आकृतियां पढ़ी हैं थोड़ी देर पहले, ज्योमेट्री में पढ़ी नहीं है मतलब बताया मैंने सिलेबस में, तो इसके भी एरिया एंड पेरीमीटर। अब देखो ये पेरीमीटर जो है ना, कुछ लोग कहोगे कि सर वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप पहली बार सुनना है। तो वृत्त की जो परिधि होती है ऊपर का सर्कमफेरेंस, उसी को परिमाप भी बोलते हैं। इवन कोई भी आकृति हो ना, उसमें अगर किसी एक कोने को पकड़ के उसी के किनारे किनारे चलते जाओ, वापस से उसी कोने पे आके रुक जाओ, तो ये पूरा जितना दूरी कवर किया ना, वो सब क्या होता है, उसका परिमाप ही होता है। तो एक सर्कल में अगर किसी बिंदु पर से किनारे किनारे चलते हो, वापस वहां पे आओगे, तो क्या चलोगे, उसकी परिधि यानी उसका सर्कमफेरेंस। तो फिर ये क्या हो जाता है, वृत्त का परिमाप कह लो, या फिर इसी को क्या कह लो बच्चों, परिधि कह लो, ठीक है, दोनों एक ही बात होती है, परिधि या फिर पेरीमीटर। ओके ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स। अब देखिए अभी तक आपने 2D डायग्राम पढ़ा, टू डायमेंशनल आपने आकृतियों को पढ़ा, जिसमें लंबाई होती है चौड़ाई होती है, ठीक है, ऊंचाई नहीं होती, लंबाई और चौड़ाई होती है ऊंचाई नहीं होती, उन आकृतियों को पढ़ा। अब आप पढ़ोगे क्या, 3D फिगर्स के लिए। 3D फिगर्स जैसे क्यूब है, घन। आप में से बहुत से बच्चों ने रूबिक्स क्यूब का इस्तेमाल किया होगा, रूबिक्स क्यूब जिसमें वो नौ नौ होते हैं साइड साइड में। अच्छा वो छोड़ो, डाइस होती है लूडो का, आप वो पासा फेंकते हो, किस आकृति का होता है, क्यूब की आकृति का होता है। तो ये सब चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है कि क्यूब में एक दे देगा कि ये भुजा इतनी है, ये लंबाई इतनी है। क्यूब में तो वैसे सब बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, एक ही होता है सब। और विकर्ण पूछ सकता है, सबसे मैक्सिमम विकर्ण बताओ क्या होगा, और एंगल्स का कुछ हो सकता है। आयतन मेनली हमें ज्यादातर जो होता है कवर करना होता है, मतलब जब तक इन चीजों को आप इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तब तक आप ये सब चीजें निकाल नहीं सकते। जैसे वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे कि आपने जो लूडो का पासा आपने फेंका, तो लूडो के पासे को पूरा ऊपर से जितना एरिया वो कवर किया हुआ है हर चारों तरफ से, वो हो जाता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में भी दो आते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्र, मतलब संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया। तो ये सारी चीजें आ जाती है किसमें, पृष्ठ क्षेत्रफल में। और आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब अब यही लूडो का पासा, मतलब मान लो बड़ा वाला पासा है, ठीक है, मामा शकुनी वाला पासा, तो बड़ा सा पासा अगर रखा हुआ है तो वो कितना एरिया, सॉरी कितना वॉल्यूम, कितनी जगह घेरेगा, ठीक है, तो वो हो जाता है वॉल्यूम। अच्छा मान लो पानी की टंकी होती है, आपके सभी के घरों में होगी पानी की टंकी, तो पानी की टंकी आप भरते हो, तो टंकी में पानी भरता जाता है, तो अगर मान लो एक पल को इमेजिन करो, एक पल को ऐसा सोचो कि टंकी गायब हो गई, मतलब टंकी पारदर्शी होगी, आप उसके टंकी के आर पार देख सकते हो, ठीक है। तो सोचो अगर ऐसा दिखने लगेगा तो पानी कैसा दिखेगा, ऐसा लगेगा ना कि हवा में पानी रुका हुआ है, तो वो क्या है, उसका आयतन ही तो है। देखो मैंने आपको विजुलाइज करा लिया कि आयतन क्या होता है, ठीक है, वो पानी उसके आयतन के बराबर जगह घेरी रहती है। तो ये होता है आयतन, क्या होता है वॉल्यूम एंड सरफेस, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, सरफेस एरिया तो साइड से कितना एरिया लिया हुआ है वो चीज होती है, ठीक है। तो ये हमें किसका किसका पढ़ना है, क्यूब्स यानी कि घनों का पढ़ना है। फिर आ जाता है क्यूबॉइड्स यानी घनाभों का पढ़ना है। अब देखो क्यूब में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, लेकिन वही घनाभ की बात करो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है। घर बनते हैं तो ईंट आपने देखा होगा, ईंट की आकृति जो होती है वो क्या होती है, घनाभ की ही आकृति होती है। देखो लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है, और ऊंचाई उससे भी कम होती है। तो ये क्या हो जाता है, ईंट का एग्जांपल होता है यानी कि क्यूबॉइड्स का। अब आ जाता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु। सबके घर में बर्थडे मनाया होगा, ठीक है, आप सभी का बर्थडे मना होगा, तो बर्थडे की जो टोपी पहनते हो ऊपर ऐसे, वो क्या होता है, शंकु होता है यानी कि कोन होता है, ठीक है, तो वो कोनिकल आकृति होती है। अब उसमें अच्छा चलो अगर वो नहीं समझे, तंबू देखे होगे, टेंट वगैरह गाड़े जाते हैं, ठीक है, मोटू पतलू देखा होगा आपने, उसमें भी टेंट डॉक्टर झटका लगाते हैं, तो वो टेंट जो होता है किस तरीके का शेप होता है पूरा चारों तरफ से, ठीक है, ऐसा लगता है कि अगर सामने से देखो तो त्रिभुज है, दिखता है, वो क्या हो जाता है, कोन हो जाता है, यानी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया उसका हमें निकालना है कि क्या आयतन होगा, क्या पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, किसका, कोन यानी कि शंकु का, ठीक है। अब आ जाता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर्स, बेलन और स्पीयर यानी कि गोले, बॉल खेलते हो ना बॉल, वो क्या होता है, एक गोला होता है, अगर वो पूरा अंदर से भरा हो, खोखला ना हो तो, ठीक है, तो वो क्या एक हो जाता है, गोला हो जाता है, ठीक है, उसका हमें पढ़ना है वॉल्यूम और सरफेस एरिया यानी कि आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, इससे रिलेटेड सवालों को। तो ये जितने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ना, इन सब के होते हैं फॉर्मूले,
इन सबके फॉर्मूले होते हैं और फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, प्लस साथ ही साथ उससे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की भी ट्रिक बताऊंगा और उसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सब कुछ अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो वॉल्यूम में ही आप क्या क्वेश्चन बना सकते हो कि जैसे ये घना भी था, लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, हो सकता है इसका आयतन दे दे, अब पूछ ले ऊंचाई बताओ, या फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे देगा, इसका आयतन ही पूछ लेगा, तो फॉर्मूला होगा आपके पास, शॉर्ट ट्रिक होगी तो आप तुरंत आसानी से कर ले जाओगे। तो इसी प्रकार से बच्चों सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ये बेलन है, बेलन बेलन का इस्तेमाल सभी लोग करते हो रोटी बनाने में, तो वो वाला ये बेलन नहीं, ये एक तरीके से समझ लो कि कोका कोला आपने पिया होगा, कैन वाला, जो कैन वाली पेप्सी पीते हो वो, तो वो उसका आकृति क्या होता है, बेलन की आकृति होती है, ठीक है। तो उसका क्या सरफेस एरिया होगा, क्या वॉल्यूम होगा, उसको फाइंड करने का तरीका क्या होगा, ये सब हम इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था आपके लिए मेंसुरेशन का हिस्सा, तो चलिए आज यही था, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है बच्चों, आपके मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें मैंने एक एक पार्ट को बहुत ही डीपली और अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको बताया है कि आपको कैसे सवालों को हल करना है, कैसे सवालों को नहीं मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपको क्या क्या उसमें करना होगा और क्या क्या पढ़ना होगा। अब इससे आप उम्मीद करता हूं कि आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि किन चीजों को हमें हटाना है, क्योंकि जब आप एक कोई किताब पढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो किताब में बहुत सारी चीजें फालतू की दी होती है, तो फालतू की चीजें पढ़ोगे कोई फायदा नहीं होगा, उससे अच्छा उन चीजों को पढ़ो जो आपके कोर्स से रिलेटेड है। देखो वेल मैनर्ड अगर तैयारी करोगे ना, स्मार्ट प्रिपरेशन करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो फायदा देगा और वो आपको बाकी स्टूडेंट से अलग करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों सहेलियों के साथ में जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी मौका मिले इसको समझने का और काफी उनकी भी मदद हो, ठीक है। और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों, क्योंकि अगर कभी भी कुछ और वीडियो आएगी, अभी देखो मैंने बोला कि एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वीडियो, तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, या फिर ये वुमेन जीडी का, मिलिट्री पुलिस का कोई और वीडियो आने वाला होगा तो वो कैसे आपको पता चलेगा जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, टारगेट अपना ले लीजिए, मंजिल बना लीजिए, मदद हम करेंगे और उस मदद का इस्तेमाल करके आप चलना शुरू कीजिए, बाकी तो सब अच्छा होता रहेगा, मैं हूँ आपके साथ, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी इजाजत दीजिए, चलते हैं, सभी लोग अपना सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बच्चों हमारे एकेडमी से रिलेटेड, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई बैचेस के बारे में जानना हो या कोई क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में जानना हो, तो आप आराम से हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगी अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, साथ ही साथ अगर आप गूगल पर सर्च करोगे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी तो वेबसाइट पर जाके भी नंबर निकाल सकते हो कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन से, ठीक है। तो कॉल कर लेना आप लोग, पूरी काउंसलिंग हो जाएगी बहुत अच्छी सी, कोई भी अगर डाउट होगा तो वहां पे आप पूछ सकते हो, सब कुछ आपकी मदद की जाएगी, हमारी टीम है, वेल प्रिपेयर्ड टीम है, आपकी पूरी मदद करेगी, ठीक है। तो चलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी फिर नई वीडियो में, इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।